1,167 अरब रुपए का हुआ नुकसान। ईरान की सड़कों पर खूनी संग्राम, महसा अमीनी की मौत के बाद सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की फायरिंग में 66 लोगों के मारे जाने की खबर। यूएन में भारत का सीएए पर जवाब, ये भारतीयों को नागरिकता देता है, उनसे सिटीजनशिप छीनता नहीं है। दुनिया भर में बढ़ रही चीनी पुलिस स्टेशनों की संख्या, ड्रैगन ने 21 देशों के 25 शहरों में अवैध थाने खोले। ब्रिटेन ने ब्लू टिक के लिए $8 के सब्सक्रिप्शन को रोका, बड़े बदलाव का एक फैसला कंपनी ने लिया वापस, बड़े ब्रांड के फर्जी अकाउंट बनने के चलते रोका। शाहरुख खान को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने रोका, जहां से 18 लाख की घड़ियां लाए थे, 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलेगी कांग्रेस, मधुसूदन मिस्त्री बोले मोदी कभी पटेल नहीं बन सकते। ममता के मंत्री अखिल गिरी का कमेंट, हमारी राष्ट्रपति कैसे दिखती है, भाजपा ने बताया शर्मनाक तो पलटे अखिल। हिमाचल में 5 बजे तक 65% वोटिंग, गंगी गंग में 100% मतदान, हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, पार्टी ने 10 लाख रुपए तक के इलाज और दवाइयों को मुफ्त करने का किया ऐलान। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर लक्ष्यमूली के समीप वाहन दुर्घटना, वाहन में 5 लोग थे सवार, एक व्यक्ति को आई चोट, हरियाणा से बद्रीनाथ की यात्रा को जा रहे थे सभी। भिलाई के छावनी राजीव नगर में 5 साल की बच्ची नाले में गिरी, बच्चे की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोग, परिजनों ने अस्पताल में कराया दाखिल। रोड रोलर में अचानक लगी आग, पवई सलेहा मार्ग पर ग्राम पडरिया पुल के पास की घटना, बाल बाल बचा ड्राइवर। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, एक की हुई मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल, गुरारा थाना क्षेत्र के लोखर के पास का मामला। यूपी में निवेश को बढ़ाने के लिए मंत्रियों का विदेश दौरा, मंत्री योगी आदित्यनाथ व उनकी टीम 20 अलग अलग देशों की यात्रा पर निकलेगी। बादशाह बसु बनी मां, शादी के 6 साल बाद बेटी को दिया जन्म, इसी साल अगस्त में प्रेगनेंसी अनाउंस की थी। पंचतत्व में विलीन हुए एक्टर सिद्धांत, सूर्यवंशी फैमिली मेंबर्स के मौजूदगी में दी गई मुखाग्नि, करीबी लोग रहे मौजूद। नितिन जुंटा ने मनाया जुड़वा बच्चों का पहला बर्थडे, शेयर के इमोशनल कैप्शन, कहा मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे को कई जन्मों से जानते हैं। आर्यन खान, आर्यन पांडे ने विश किया 25वां बर्थडे, बचपन की तस्वीर शेयर करती बधाई, कहा मेरा पहला और सबसे अच्छा दोस्त। किता लोखंडे, विक्की चैन की रोमांटिक डेट बाथटब में कर पाया नेमर, और शूट टीवी एक्ट्रेस किता लोखंडे और विक्की चैन की मुझसे फैंस को बेहद पसंद। न्यूजीलैंड के ग्रेग वॉर्कले को आईसीसी का चेयरमैन और बीसीसीआई सचिव जय शाह को वित्त एवं वाणिज्य मामलों की समिति का प्रमुख चुना गया है। वॉर्कले का कार्यकाल 2 वर्ष का। गौतम अडानी चल गए। स्टीव जॉब्स की 42 साल पुरानी सैंडल होगी नीलाम, 64 लाख रुपए से ज्यादा में नीलाम होने की उम्मीद है, 13 नवंबर तक चलेगा ऑप्शन। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार यानी 11 नवंबर को तेजी रही, सेंसेक्स पिछले एक साल के उच्चतम स्तर पर हुआ। रियलमी 10 5G हुआ लॉन्च, 50 मेगापिक्सल कैमरे और 5000 mAh बैटरी, 15000 के करीब होगी कीमत।